अंबर बार फिजा को इतासरेंगे, कोई जुल्फ सवार का लंगे आए, याते लंगे ने सैयद चढ़ा दे तो या फिर यार का यार को लंगे आए। आजाद ये कैफियात, ये लम्हात, ये वक्त जो है ये कबूलियत की निशानी हुआ करते हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करीम इस आस्थाना नौशाहिया कादरिया की बहारों को ता क़यामत कायम कायम रखे। दो सारे मोहतरम तलिया वाला की ये सरजमीन है और तलिया वाला ये तलिया वाला को ही एक एक नहीं एक से कई बार ज्यादा मैंने जब अदा किया तलिया वाला, तो फिर ये तलिया वाला ने मेरे सामने एक उकता खोला और वो उकता अबजात के सामने मैं खोलते हुए अगले सना खान की तरफ बढ़ा। तलिया हाथ की भी होती है और पांव की भी होती है। इश्क की तकड़ी में जो ओहे तुलिया जिन्होंने पीर दे तलिया थले रखिया तलिया। इन तलियों को अगर गौर से पढ़ लें तो ये तलिया बताएंगी कि तलिया वाला क्या है। अगर दाया हाथ पढ़े तो एक और आठ है, बायां पढ़े तो आठ और एक है। ये एक आठ और आठ एक क्या है? इस एक आठ का आगाज एक से होता है और इस आठ एक का इख्तिताम एक पर होता है। आगाज भी एक से है, इख्तिताम भी एक पर है। आगाज कायनात भी एक से है, इख्तिताम कायनात भी एक पर है। दरमियान में आठ है और वो आठ कौन है? पंच तन बात है, तीन नबी के यार है, हजरत सिद्दीक पर, सरकारी उमर पर, जनाबे उस्मान गनी पर। तीन यार और पंच तन बात, ये है आठ। नबी ने फरमाया मेरी आल कश्ती नूह की मिसर है और मेरे सहाबा सितारों की मिसर है, जिसकी भी इत्तबा करोगे हिदायत पा जाओगे। ये हुस्ने अहले सुन्नत, ये औलिया का मसलक है कि इन आठ से मोहब्बत करोगे तो जन्नत के आठ दरवाजे खुले हुए पाओगे। ये तलिया वाला का यूं कह लीजिए कि ये समर है, ये अजर है, ये जगह है। उन आठ से मोहब्बत करने वालों के लिए जन्नत के आठ दरवाजे खुले हुए नसीब और मुकद्दर में होंगे। अल्लाह करीम हम सबको आज की इस महफिल पाक की बरकत से बुजुर्गान दीन के तफैल, अल्लाह करीम हम सब की नौकरी हाजिरी अपनी पाक जनाब में कबूल फरमाए। दोस्तों ने गिरामी कदर, हर इंसान चाहे मर्द है या औरत है, अपनी माँ के सदक में रहम में नौ मार रहकर दुनिया में आया है। माँ के सदक में रहम में जिंदा था तो जिंदा पैदा हुआ, जिंदा था तो जिंदा पैदा हुआ। क्या किसी को अपनी मां के शिवकम के नौ माह में से कोई एक लम्हा भी याद है? थे तो उस आलम में भी जिंदा। अरे सुभानअल्लाह, एड्डी बड़ी गल के एड्डी सोहनी गल के लक्ष्य है। चलो शेख मोहम्मद इस्लाम साहब के बारे में जनाबी जहूर साहब की तरफ से मुझे हुक्म है, जनाबी शेख मोहम्मद इस्लाम नक्शबंदी साहब को आप आजाद के सामने ही हदीया दावत दे रहा हूँ। जनाब शेख मोहम्मद इस्लाम नहीं, मैं तो कह नहीं आप ही मुझे कह रहा है। जनाब शेख मोहम्मद इस्लाम नक्शबंदी शुक्र गुजार हाँ साहब का अगर गल करना मैं तो कदम नहीं मिलते सामने ख्याल बिल्कुल पुरानी गल् याद आ गई बड़े पीर साहब भी आते पार सजन साहब की कबर से करोड़ पा रहे हैं तो नजर फरमा किन्ने साल कटे आए हैं कभी गैप पै गया बमरे मजबूरी हम फिर मैंने जी के करना यकम अक्टूबर अजमा हो गया। मोहब्बत नाल प्यार नाल उल्फत नाल मवद्दत नाल
ਦੂਜੀ ਬੜੀ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਕਯਾ سلطانی نہیں جاتے زمانے علی والوں سلطانی نہیں جاتے اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتے اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی علی کے منکروں کی عاقبت پہچان لو لوگو یہ مر جائیں تو ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی علی کے منکروں کی عاقبت پہچان لو لوگو یہ مر جائے تو ان کی شکلیں پہچان نہیں جاتی تو پڑھیے صلی اللہ ਨਾ ਤੇ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰ ਗਿਣਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਪੜਾਂਗਾ ਪੜਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾਂ ਕਹਿਣਾ ਲਾਈ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਉਨਕਾ ਮੰਗਤਾ ਜੋ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦੇਤੇ ਉਨਕਾ ਮੰਗਤਾ ਹੂੰ ਜੋ ਮੰਗਤਾ ਸਾਜੀ ਮੇਰਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ 500 ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਮੰਗਤਾ ਹਵਾਲੇ
मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता अपने मंगतों अपने मंगतों की ये फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों की ये फहरिस्त में रखते हैं मुझे, और मुझको मोहताज किसी है ये ईमान है ये ईमान ईमान है ये ईमान है ये ईमान कि आएंगे लहज में मेरे वो बोला कहूं इनके पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, इनके पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वहां, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते सुहानी रात। हदीस के लफ्ज़ में कि नमसा नौमतुल उरूस सो जा इस तरह जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है, मैं ग्राउंड है वहां अल्लाह आएगा बिच्छू आएंगे मैं हजूर ढाबे लाऊंगे साडा ते हजूर ने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुहा बदरुद्दुजा की बात करो सितारों आओ शमसुद्दुहा की बात करो सितारों आओ शमसुद्दुहा की बात करो लकीरों बाद में कोई दूसरा
पहले मेरे मुस्तफा की बात करो क्योंकि वो गुलामों को दादा
फरीद भी मन दे शहनशाही अली दे माशाल्लाह जी जिला